हेलो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर कन्वर्टर्स पावर कन्वर्टर्स बेसिकली पावर एक्ट्रॉनिक के सर्किट्स होते हैं ठीक है यानी अगर मैं ये जो तो कन्वर्टर्स का मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है तो इन रियालिटी दिज आर बेसिकली सर्किट्स अब पावर कन्वर्टर्स होते क्या हैं यानी मेनली हम ये डिस्कस करेंगे इस इस वीडियो के अंदर फिर पावर एक्ट्रॉनिक्स के परस्पेक्टिव में ये पावर कन्वर्टर्स हैं क्या Uh, क्यों यूज़ किए जाते हैं या क्या होते हैं तो वो उसको हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर पावर कन्वर्टर्स को अगर मैं एक्सप्लेन करने की चाहूँ तो आई विल बी यूजिंग ब्लॉक डायग्राम्स ठीक है मैं ब्लॉक डायग्राम्स यूज़ करूँगा इससे पहले कि मैं पावर कन्वर्टर की बात करूँ सब हम जो सबसे अहम चीज़ जो हम नॉर्मली uh, हमारे जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के परस्पेक्टिव में स्टूडेंट्स होते हैं एंड विच आर हैव विद द इंफॉर्मेशन प्रोसेसर जो प्रोसेसर्स आते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह आप डोमेन में पढ़ते हैं वो अक्सर लोगों ने पढ़े हुए होते हैं पहले सब्जेक्ट्स के अंदर तो उनके बारे में थोड़ा सा उनको पता होता है कि वो क्या हैं तो अगर हम बात देखें तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर होता है उसकी अगर हम एक ब्लॉक डाइग्राम ले लें तो उसके अंदर हम देखेंगे कि वी हम उसको इन्फॉर्मेशन इनपुट देते हैं और वो प्रोसेसिंग करके स्टेप्स लेके हमें देता है इन्फॉर्मेशन आउटपुट अब इसको चलाने के लिए जो हमारे पास नेसेसरी होता है यानी इसको ऑपरेशन के लिए जो नेसेसरी इनपुट है वो हमें इसको पावर प्रोवाइड करना पड़ती है तो ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर का काम है अब अगर इसी एनोलॉजी को इसी अनोलॉजी को हम यूज़ करते हुए ये देखें कि अगर इसको हम पावर डोमेन में ले जाएँ ये हमारे पास लेट सपोज इन्फॉर्मेशन डोमेन है तो पावर कन्वर्टर जो होता है इस बेसिकली ए प्रोसेसर पावर प्रोसेसर ये एक पावर प्रोसेसर होता है इसकी इनपुट पे भी पावर होती है एक बात समझ समझ लीजिएगा क्योंकि होता है कभी कभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ के आए हुए होते हैं तो वो समझते हैं कि पता नहीं कौन सी पावर तो याद रखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर होती है और इसकी आउटपुट पे भी जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर होती है तो ये हमारे पास जो है एक पावर प्रोसेसर होता है कन्वर्टर जो पावर कन्वर्टर होता है इट्स बेसिकली अ पावर प्रोसेसर पावर इनपुट इनपुट पे भी पावर है और वो कौन सी है इलेक्ट्रिकल पावर है आउटपुट पे भी पावर है वो कौन सी इलेक्ट्रिकल पावर है और हमें इसको चलाने के लिए जो इसको अगेन नेसेसरी इनपुट्स देनी पड़ती हैं वो हमें कोई कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है इस पावर कन्वर्टर को सो so दैट ये जो है पूरा प्रोसेस करके दे सकता है जैसे यहाँ पर हमने पावर दी थी और इसने पावर प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके हमें इन्फॉमेसन आउटपुट पर दे दी थी, थी। यहाँ पर हमने इसको कोई सर्टन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आई एंड इट विल यूज़ दैट इन्फॉमेशन एंड उसकी जो इनपुट पे पावर आ रही होगी उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट पे दे देगा तो ये बेसिकली जो है एक पावर कन्वर्टर का काम है अब हम ये कहेंगे कि अच्छा ये पावर कन्वर्टर का ये काम हो गया पावर टॉनिस में किस तरीके से ये काम कर रहा होता है या किस तरीके से होता है और फिर इन्फॉर्मेशन बड़ी बड़ी अहम अहम चीज़ जो इसके अंदर है कि इसकी इनपुट पर भी इलेक्ट्रिकल पावर है आउटपुट पर भी इलेक्ट्रिकल पावर है तो फिर ये क्या काम करता है ठीक है अब वो काम जो ये वो काम जो ये करता है वही असल में इसके जो नाम है इसका कन्वर्टर का जो नाम है वो उसको जस्टिफाई करता है ठीक है तो पहले हम देखते हैं कि वो है काम क्या या वो कौन सी चीज़ है जो इसके अंदर होता है अगर हम इलेक्ट्रिकल डोमेन में देखें इफ़ वी बेसिकली सी इन दी इलेक्ट्रिकल डोमेन तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है इलेक्ट्रिकल पावर इट इज़ इन टू फॉर्म्स इट इज़ टू फॉर्म्स कौन कौन सी है जी वन इज़ बेसिकली द डी सी एंड सेकेंड इज़ दी ए सी एक हमारे पास डी सी पावर है और इसी तरीके से हमारे पास ए सी पावर है अब डी सी पावर क्या है नॉर्मली uh, आपने देखा होगा कि हमारे पास डी सी पावर के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं लाइक वी हैव फॉर डी सी पावर हमारे पास जो बेसिक सोर्सेज हैं उसके अंदर फर्स्ट बैटरी है ये सबसे बेसिक सोर्स है जो सबसे पहले यूज़ किया गया बैटरी और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इट हैज़ ऑल्सो दी एबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी कर सकती है ये सबसे अहम चीज़ है यानी आप देखते हैं कि आज की जैसे आजकल के मॉडर्न एरिया में हम देखते हैं कि बैटरीज जो हैं वो दे आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर इम्पॉर्टेंट डे बाई डे बिकॉज ओनली बिकॉज इट कैन स्टोर दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वी कैन रिटेन हम बाद में इसको रिकॉल करके उसको यूज़ भी कर सकते हैं ये चीज़ें हमारे पास इतनी ज़्यादा ईज़िल अवेलेबल नहीं है इसे माइंड जू इज नॉट एन ईजी टास्क टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उसको आप रिकॉल करके यूज़ कर सकें सेकेंडली इसमें अगर हम देखें आजकल तो हमें सोलर पे जो है वो हमें सिस्टम्स मिल रहे हैं यहाँ पे हमें सोलर पावर के पीवी सिस्टम्स जो हैं सोलर जो हम यूज़ करते हुए सोलर एनर्जी को पीवी सिस्टम्स को यूटिलाइज़ करते हुए जो है हम डीसी पावर कर सकते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर मैं इसकी वोल्टेज लूँ और इस टाइम के साथ इसकी में तो इट इट हैज़ बेसिकली नो वेरिएशन बिल्कुल स्ट्रेट आपको जो है वोटी मिल रही है अगर मिल रही है तो यानी एक यूनी डायरेक्शन इसकी आउटपुट होती है जो हमें मिल रही होती है एंड इट डजेंट चेंज इज टाइम बहुत स्टेज रिमेन्स फिक्स इस तरह इसकी वोल्टेज है एंड सिमिलरली यू कैन बेसिकली गेट करंट एज वेल तो पावर आपको पता ही है कि पावर इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट ये सिंपल इसकी जो है वो करंट है इसी तरीके से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर जो सेकेंड फॉर्म है जिसके अंदर पावर एग्जिस्ट करती होती है दैट इज़ बेसिकली दी एसी पावर हमारे पास एसी सी पावर अच्छा अब एसी पावर हमें कहाँ से एक्वायर होती है तो आप सबको ये पता है कि हमारे पास जितनी भी जनरेटिंग जनरेटर जनरेटर्स हैं जिनको सिंक्रोनस जनरेटर्स कहते हैं वहाँ से हमें जो है ए सी एलक्ट्रिकल पावर जो है वो मिल जाती है अब सिंक्रोनस जनरेटर्स जितने भी हैं ना ये सारे हमारी जनरेशन के अंदर यूटिलाइज़ किए जाते हैं जनरेशन के लिए डिफरेंट जो है हम सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी यूज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ़ एनर्जी वाटर यूटिलाइज़ किया जाता है जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी हैं वो है हाइडल जैसे कि आपने कोई डैम बना लिया जहाँ पे बहुत बड़ी वाटर की स्टोरेज है और उसको आप यूज़ करते हुए uh, टर्बाइन चलाते हैं और उन टर्बाइंस की मदद मतलब से आप अपने सिंक्नस जनरेटर्स को पावर अप करते हैं चलाते हैं तो वो कन्वर्ट कर देते हैं आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसी तरीके से आपके पास थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जिसके अंदर आपके पास स्टीम प्रोड्यूस की जाती है फिर स्टीम उस स्टीम उस उस के प्रेशर की मदद से जो है टर्बाइनस uh, को जनरेट चलाया जाता है और फिर वो टर्बाइन जो आपके जनरेटर्स को चलाती हैं एट द एंड यू विल बेसिकली गेट दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ये अभी ए सी फॉर्म में होती है ए सी फॉर्म में अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास वोल्टेज है टाइम के साथ तो ए सी जो होती है ना वो ऑल्टरनेटिंग होती है ठीक है ये यह, यहाँ पर इसका एक कोई टाइम पीरियड होगा जिसमें यह चलेगी और ऑल्टरनेट करती है इट विल बी बेसिकली हाफ ऑफ द टाइम पॉजिटिव एंड हाफ ऑफ द टाइम नेगेटिव तो ये इस तरीके से ऑल्टरनेटिवली चेंज हो रही होती है ये आपके पास जो है ए सी डूबे हुई होती है सिमिलरली इसका करेंट्स भी इसी तरीके से इसमें होते हैं तो इसका जो पहला सोर्स है हमारे पास वो सिंक्रोनस जनरेटर्स हैं और सेकेंड जो सोर्स से है अगर आप लेना चाहें तो विंड पावर विंड पावर सिस्टम्स हैं जो आप आजकल देखते हैं कि डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल हुए हुए हैं विंड पावर सिस्टम वहाँ से भी आपको एसी एक्वायर हो सकती है वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो ये हमारे पास जो है दो इलेक्ट्रिकल में डोमेन्स हैं जिसके अंदर पावर एग्जिस्ट करती होती है अब इसमें प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि सिमिलरली आपके पास जो ये तो आपके पास प्रोड्यूसर्स हैं सोर्सेज हैं जो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट करते होते हैं इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल डोमेन के अंदर जो है आपके पास लोड्स होते हैं अब जो लोड्स होते हैं फॉर सर्टेन टाइप ऑफ लोड्स आपको डीसी पावर चाहिए होती है एंड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ लोड्स यू नीड बेसिकली ना सी पावर तो यू नीड टू कन्वर्ट पावर आपको इन दो जो डोमेन्स हैं इनके दरम्याण इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करना पड़ता है यूज़ करने के लिए ठीक है एंड उस कन्वर्जन के लिए जो आपको मेनली चीज़ चाहिए दैट इज़ दी पावर कन्वर्टर अब आपको समझ आएगा कि पावर कन्वर्टर बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर एग्जिस्ट करती है इन डी सी फॉर्म एज वेल एज इन द ए सी फॉर्म लेकिन अगर आपने उसको लोड्स के साथ यूज़ करना है तो लोड्स के साथ जो यूज़ uh, करने के लिए आपको सर्टन टाइप ऑफ यानी कि या तो आपको ए पावर चाहिए होगी या डी पावर चाहिए होगी आप डिपेंड करते हैं आपके पास अवेलेबल कौन सी है ठीक है ना तो जौन सी अवेलेबल होगी फिर उसी को फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टू इन वन ऑफ द अदर तो ये आपके पास जो है कन्वर्टर uh, सर्किट्स आ जाएंगे अब ये कन्वर्टर सर्किट्स होते ही हैं और डिफरेंट पावर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं अब हम इसकी तरफ आते हैं इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं ठीक है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया कि जी पावर कन्वर्टर्स होते क्या हैं पहली बात तो वो इन पावर के प्रोसेसर होते हैं तो पावर प्रोसेसिंग क्यों करना पड़ती है इसलिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल डोमेन है उसके अंदर पावर एग्जिस्ट करती है इन टू फॉर्म्स दैट इज़ द डीसी फॉर्म एंड द एसी फॉर्म्स उसके हमने सोर्सेज देखे थोड़ा सा हमने उसकी नेचर के परस्पेक्टिव में बात की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ के अंदर पावर uh, के हवाले से काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशंस की हुई होती हैं पावर कन्वर्टर्स जो है हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं ठीक है इस कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पावर कन्वर्टर्स तो ठीक वो कौन कौन सी है जी फर्स्ट जो है सबसे पहला जो हमारे पास कन्वर्टर की टाइप है वो रेक्टिफायर है ये रेक्टिफायर क्या होता है इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी तो अभी आपके पास जो ये सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल होने वाला एम्प्लॉय होने वाला कन्वर्टर है उसकी वजह ये होती है कि आपके पास घर में या इंडस्ट्री में कहीं भी रेडीली इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल होती है लेकिन नॉर्मली जो आपके लोड्स होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लोड्स होंगे जैसे आपके पास कोई ऑडियो सिस्टम है वीडियो सिस्टम है आपके पास कोई हीटिंग सिस्टम है आपके पास कोई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है आपके पास मोबाइल्स हैं आपके पास कंप्यूटर्स हैं कोई और चीज़ें इस तरह की चीज़ें हैं वो सारे अमूमन डीसी पे चल रहे होते हैं तो अगर आप डीसी पे चल रहे हैं तो फिर यू हैव है नीडी कन्वर्जन क्योंकि आपके पास जो रेडिली से यूटिलिटी से सप्लाई आ रही है या इलेक्ट्रिकल सप्लाई अवेलेबल है वो तो ए है तो आपको जो है वो कन्वर्जन चाहिए उस कन्वर्जन के लिए जो है आपको जो इन्वॉल्व करना है वो रेक्टिफायर है तो ये जो सबसे इम्पॉटेंट है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये रेक्टिफायर जो है ये फर्स्ट पावर कन्वर्टर है सेकेंड आपके पास चॉपर है अब चॉपर सर्किट क्या है जी इट इज़ डी सी टू डी सी कन्वर्टर अब आप कहेंगे जैसे डी सी में था डी सी में कन्वर्ट कर दिया तो इसका फ़र्क क्या हुआ अच्छा इस फ़र्क कैसे होता है नॉर्मली आपके पास फ़िक्स टाइप की डी सी अवेलेबल होती है फ़िक्स टाइप की और आपको जो चाहिए होती है वेरिएबल टाइप की डी सी चाहिए होती है वेरिएबल टाइप की डी सी जो है वो आपको नेसेसरी होती है अब आप कहेंगे ये कहाँ पर होगा भाई ये किधर होगा तो जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देख लें डी सी टू डी सी कन्वर्टर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो बैटरी है वो तो फ़िक्स है ठीक है ना व्री पॉइंट थ्री वोल्ट की है या लेट सपोज वो फाइव वोल्ट की है तो वो तो फिक्स है यू कैन लेकिन मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिफरेंट आपके पास जो प्रोसेसर अवेलेबल है आपके पास लेट सपोज़ कोई मीडिया प्रोसेसर अवेलेबल है आपके पास कोई कम्युनिकेशन रिसीवर या ट्रांसीवर अवेलेबल है आपके पास जो है कोई आपका जो डिस्प्ले चलाने के लिए कोई सर्किट्स अवेलेबल हैं सबकी वोल्टेज और करंट की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी दे आर नॉट द सेम होंगी डीसी में डीसी डोमेन में लाई करती होंगे लेकिन होंगे डिफरेंट अब आप, आप तो कहेंगे यार मेरे पास तो सोर्स फिक्स है बट जो रिक्वायरमेंट्स हैं की वो तो डिफरेंट हैं सो यू नीड टू कन्वर्ट डी सी इन टू डिफरेंट लेवल्स सो यू नीड ए वेरिएबल डी सी आपको ऐसी डी सी चाहिए जो वेरी चेंज कर सके वेरी कर सके ताकि आप अपने मीडिया प्रोसेसर को भी दे दें वो चल रहे मैं भी चल रहा हूँ उसके साथ आप अपने डिस्प्ले को भी दे दें वो डिस्प्ले करवा दें आपको आप उसके बाद अपने ट्र, ट्रांसीवर को भी दे दें दे, डी सी प्रोवाइड कर दें बैटरी से तो वो भी अवेलेबल हो जाए तो ये काम जो करता है वो चॉपर सर्किट होता है इसको हम डीसी टू डीसी सी कन्वर्टर भी कहते हैं जनरल फॉर्म में इसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स भी कहते हैं और इसी की एक जो सब क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उनको स्विच मोड रेगुलेटर्स कहते हैं बहुत हैवीली यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं स्विच मोड रेगुलेटर्स जिसके अंदर अगर हम बिल्कुल बेसिक नेम्स लें तो बक है बूस्ट कन्वर्टर है बक बूस्ट कन्वर्टर है शुक कन्वर्टर है ये सबसे बड़े कन्वर्टर्स हैं सबसे बहुत हैवीली डिस्कस हुए हुए हैं और ऑन इसकी तकरीबन तमाम जो आपके पास टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म बुक्स मिलती हैं सबके अंदर ये मिल जाते हैं तो ये जो हैं सबसे अहम जो हैं ये चॉपर्स हैं थर्डली अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो है इन्वर्टर तो जब शुरू हुई तब तो इतना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था <laughs> लेकिन बैक इन एटीज़ ये आना शुरू हो गए ठीक है किस तरीके से आना शुरू है चलो मदरसा उसका भी पर्सपेक्टिव दे देता हूँ कि मोस्टली विलेज़ में लोगों के पास जो है ट्रैक्टर्स होते हैं या इस तरह की मशीनरी अवेलेबल होती है और इन डैट दे हैव बैटरी अवेलेबल उसके अंदर बैटरी होती है ट्रैक्टर के अंदर तो अब गाँव में तो बिजली अवेलेबल नहीं होती थी इन इनिशियली अब तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया तो इवन गाँव में भी बिजली अवेलेबल है लेकिन यहाँ पर नहीं है लेकिन ट्रैक्टर है आपके पास तो उसकी बैटरी चार्ज अपनी होती है मूम यूज़ होता है तो वो चार्ज हो जाती है तो उसकी जो बैटरी को अगर हम उससे डी से ए बना लें और हमारा जो इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं लाइक कोई फैंस हैं या लाइट्स हैं जो ए सी पे चलते हैं तो वो अगर हम अपने कमरों में उससे बिजली प्रोड्यूस करें तो वो हमने इन्वर्टर सर्किट को यूज़ करते थे ये एटीज़ में जो ये यूज़ होना शुरू हुआ अब तो ये बहुत हैवीली यूज़ होता है अब तो हर घर के अंदर है इन्वर्टर है बिकॉज़ आपके पास यूपीएस होता है क्योंकि मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रिकल स्टोरेज है ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर की स्टोरेज है वो सबसे जो एक ही फॉर्म अवेलेबल है और वो बैटरी है डी बैटरी है जो है वो हर जगह अवेलेबल होती है तो इनकेस लाइट चली जाती है आपकी जो है पावर सप्लाई या जो भी सप्लाई करती है यूटिलिटी प्रोवाइडर है जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो वो वाबडा है और उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं आई को है मैपको है लेस्को है तो वो आपको सप्लाई कर रही होती है और उसमें नॉर्मली आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो काफ़ी जो है वो पावर कट्स होते हैं बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ पावर तो उस पावर कट्स को जो है अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ये करते हैं कि चाहे लेट सपोज़ वी हैव ए पी सप्लाई तो यू पी क्या करती है कि वो उसके अंदर एक इन्वर्टर भी होता है यान यानी एन यान यान पावर सप्लाई होती है उसके अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ होती है उसके अंदर एक इन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर क्या करता है कि वो डी में जो बैटरी के अंदर पावर स्टोरेज जो है उससे आपको ए सी कन्वर्ट करके आपके घर में ए सी ले देता है क्योंकि नॉर्मली जो हाउस होल्ड्स हैं वो सारे के सारे ए सी लोड्स होते हैं यहाँ पर भी ये आपका इन्वर्टर जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है फोर्थ जो है आपके पास साइक्लो कन्वर्टर है साइक्लो कन्वर्टर जो है वो ए सी टू ए सी कन्वर्टर है यहाँ पे अगेन अगर आपके पास फिक्स टाइप की ए सी है तो ये जो साइक्लो कन्वर्टर है ये क्या करेगा ये आपको वेरिएबल ए सी दे देगा तो इसकी ना बेसिकली दो टाइप्स होती हैं कि इसमें एक ए सी वोल्टेज कंट्रोलर्स होते हैं और एक जो होती है इसके अंदर हमारे पास जो है वो साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं अब ए सी वोल्टेज कंट्रोलर्स क्या होते हैं ए सी वोल्टेज कंट्रोलर्स ये होते हैं कि आप वोल्टेज को वेरी कर सकें ए सी के अंदर आपके पास दो चीज़ें होती हैं जिनको चेंज करना होता है आपको वोल्टेज भी चेंज करनी पड़ती है और आपको फ्रीक्वेंसी भी चेंज करनी पड़ सकती है तो वोल्टेज की अगर आपने सिर्फ चेंज करनी है तो एसी वोल्टेज कंट्रोलर को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो आपकी अवेलेबल वोल्टेज आ रही होती है उसको वो चेंज कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट करते हैं उसे कम कर सकते हैं उसमें मिस्त्री कम कर सकते हैं जैसे आपके पास फ़ैन रेगुलेटर्स होते हैं जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो फैन रेगुलेटर की है या आपके पास कोई फैन रेगुलेटर जो है वो उसमें आप क्या करते हैं कि ए सी वोटेज को कम करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिकल फैन होता है वो आसा आसा स्लो डाउन कर जाता है उसकी स्पीड कम हो जाती है क्योंकि जो उसकी स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आरएमएस वोल्टेज प्रोवाइडेड टू इट तो वो कम हो जाएगी तो वो आपका जो है फ़ैन स्लो डाउन हो जाता है तो ये बड़ा सिंपल सा है हर घर में लगा हुआ होता है आपके पास हर वर, हर जगह पे अवेलेबल होता है अगर हम इसके साथ जो है साइकिल कन्वर्टर के डोमेन में बात करें तो वहाँ पर आप वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं फ्रिक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं तो अगर उसकी एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसकी एप्लीकेशन में आपके पास ए मोटर ड्राइव्स हो सकती हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं ए मोटर ड्राइव्स जो हैं लाइक इंडक्शन मोटर ड्राइव है Uh, वहाँ पे आप क्या करते हैं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं तो आपकी जो मोटर की जो स्पीड है वो चेंज कर जाती है तो वहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जाता है वहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप के कंट्रोल्स अवेलेबल हैं तो साइकिलो कन्वर्टर्स जो है वो इस, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो ये अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपके आप पास कन्वर्टर्स होंगे ये फोर टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स हैं जो हम पावर एंड की कन्वर्टर्स uh, की जो सर्किट्स की जो डोमेन है जो हमारा जो सेकेंड कोर्स लर्निंग आउटकम है उसके अंदर हम उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे मोस्ट uh, इंपॉर्टेंटली जो हम इसमें काम करेंगे वो इनके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे एंड वी विल सीके हाउ वी कैन ए बेसिकली इनको किस तरीके से वैल्यूट करते हैं या लेट सपोज एनालाइज करते हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है जो बेसिकली दो अहम चीज़ों पर गेज होती है जो कि आपने पावरटॉनिक्स की जो मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ भी डाली हुई हैं उसके अंदर भी आपने देखा होगा फर्स्ट इज़ दी एफिशंसी कन्वर्टर सर्किट की एफिशंसी क्या एंड सेकेंड इज़ दी नॉइज़ नॉइज़ रिडक्शन आप कैसे करते हैं नॉइज़ की सेपरेशन uh, कैसे करते हैं वो जो है वो पावर टॉन कन्वर्टर्स का मेन टास्क होता है ठीक है तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया पावर कन्वर्टर्स के हवाले से एंड वील बेसिकली कंटिन्यू दिस टॉपिक एंड सी इन डिटेल फर्दर थिंग्स, थैंक यू